नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ भावना शर्मा। 7th of June है आज, थर्सडे का दिन है। राहु काल का समय 1:43 PM से लेकर 3 PM तक रहेगा। बात करेंगे आपकी राशियों के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगी, अगर आपके ज़िंदगी से कोई भी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कि आपको परेशान कर रही हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपके स्टडीज़ में दिक्कत आ रही हो, क्रिस्टल बॉल्स किस तरह से आपकी हेल्प कर सकती हैं, क्रिस्टल बॉल्स किस तरह से एक तरह से इन सब चीज़ों का सलूशन है, ये बात करेंगे आज। देखिए, रंग बिरंगी जो क्रिस्टल बॉल्स होती हैं उसके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है जो कि आपके जीवन के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म कर सकती है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी के हर एक तरह से हर प्रॉब्लम का सलूशन क्रिस्टल बॉल्स दे सकती हैं। अगर खासतौर पे आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं या फिर कलह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको क्या करना है, एक क्रिस्टल बॉल अपने मेन गेट पर लाकर लगा देनी है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उस क्रिस्टल बॉल को सबसे पहले आप लाल कपड़े में बांध करके चार्ज कर लीजिए और कुछ देर के लिए लाल कपड़े में बांध करके सन रेज के अंदर उसे रख दीजिए और इस तरह से उसे अपने घर में लगाएं कि सूर्य की कुछ किरणें उस पर रोज़ नियमित रूप से पड़ती रहे। ऐसा करने से डेली वो चार्ज होता रहेगा और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से घर में कलह कलेश या किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर दाम्पत्य जीवन में कोई उतार चढ़ाव आपके दिखाई दे रहे हैं या फिर आपसी रिश्तों में एक तरह से खासतौर पर दाम्पत्य जीवन में आपसी रिश्तों में आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, तो क्या करना है, रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आता है उसको अपने बेडरूम में आप प्लेस कर सकते हैं। एनर्जाइज करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, उसी तरह से आपको एनर्जाइज करना है उससे पहले। लेकिन कोशिश कीजिए रोज़ क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को आप रोज़ या रोज़ नहीं भी कर सकते तो वीकली आप नमक के पानी से उसे वॉश करते रहें, उसे क्लिंस करते रहें, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी खींचता है, जिसकी वजह से अगर आप उसे ऐसे ही रखे रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने के बजाय नेगेटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देगा। इसके अलावा जो बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हाई स्टडीज़ के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं और कंसंट्रेशन नहीं बना पाते, उनके लिए कंसंट्रेशन रॉक आता है, वो भी क्रिस्टल फॉर्म में ही होता है, उसको आप अपने स्टडी टेबल पर लगा सकते हैं। इसके अलावा जिनके बिजनेस में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मेहनत करने के बावजूद भी उतना अच्छा आउटपुट उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो 7 अलग अलग कलर की क्रिस्टल बॉल्स अपने ऑफिस में आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी ऑफिस में जो फाइनेंशियल फ्लो है वो बेहतर हो जाएगा, पैसा जो है आना शुरू हो जाएगा। तो इन्हीं सॉल्यूशंस के साथ चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। फर्स्ट कार्ड निकल रहा है एरीज के लिए, एस ऑफ वांड्स एंड द सेकंड कार्ड इज सन। आप लोगों के लिए आज का जो दिन है, आज आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, धार्मिक कार्यों में या फिर किसी यात्रा पर जाने के योग दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा धैर्यशीलता बढ़ेगी आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं पे लोगों के साथ जो गलतफहमियां थी वो दूर होंगी, लेकिन आज काफ़ी सारी चीज़ों से आपको संभल करके चलना है, खासतौर पर किसी दुर्घटना से, किसी गलतफहमी से, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार ना हो जाए। हालांकि ये चीज़ें खत्म हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस लेकर के चलिए। इसी के साथ थर्सडे का दिन है, भगवान विष्णु का दिन है आज। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना शाम के समय, संध्या काल के समय काफी शुभ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉरेंस फर्स्ट कार्ड निकल रहा है क्वीन ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज एस ऑफ सॉल्स। आप लोगों के लिए आज अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा आज धैर्य बनाए रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपका स्वभाव बहुत ज़्यादा उग्र दिखाई दे रहा है, काफ़ी एग्रेशन में अगर आप आकर के बातचीत करेंगे तो ऐसा करने से आपके काम बिगड़ सकते हैं। दोस्तों से मुलाकात होने के योग नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोशिश कीजिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर ही आप आज एक्सपेंसेस करें। इसके अलावा वाहन के रखरखाव पर यानी कि उसके मेंटेनेंस पर आज खर्चा हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेगा, सुबह उठकर के सूर्य देव की उपासना करेंगे, साथ ही में ओम ऋणी सूर्याय नमः इस मंत्र का कोशिश कीजिए 108 बार आप लोग जाप करें। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, साथ ही में आपको एक तरह से आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी। चलिए बात कर लेते हैं जेमिनाइज की। फर्स्ट कार्ड निकल रहा है द एम्परर एंड द सेकंड कार्ड इज वर्ल्ड। आप लोगों के लिए परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के प्लान्स बन सकते हैं। पिता और जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके, उनका आशीर्वाद आज लेकर के चले किसी भी कार्य के लिए, आपके काम तो ज़रूर बनेंगे, साथ ही में उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगी। आज आकस्मिक धन लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज दोस्तों से आपको धन लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति लेकिन थोड़ा सा सचेत रहना है आज, क्योंकि स्वास्थ्य को आप निग्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं।
इसके अलावा भागदौड़ तो रहेगी ही, लेकिन आज कोशिश करना है शाम के समय कोई यात्रा नहीं करनी है। छोटा सा उपाय करना है, आप लोगों को तुलसी का एक पत्ता भगवान विष्णु जी पर या शालिग्राम जी पर अर्पित करना है शाम के समय। कर्क राशि, फर्स्ट कार्ड निकल रहा है द जस्टिस एंड फाइव ऑफ पेंटाकल्स। तो आज के दिन में जो आपके अधिकारी हैं वो आपके कार्य से संतोष यानी कि सेटिस्फाइड रहेंगे, कहीं ना कहीं पे आपकी तारीफ या आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते हुए नजर आएंगे, आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आपके लिए अगर बात करें हार्डवर्क की, तो परिश्रम की अधिकता रहेगी, क्योंकि आज जितनी मेहनत करेंगे उतना आउटपुट भी आपको मिल रहा है। थोड़ा सा शारीरिक कष्ट संभव है, क्योंकि आज जितनी मेहनत कर रहे हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस भी थोड़ा सा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। कर्क राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेगा, भगवान विष्णु की उपासना करनी है और भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प आपको अर्पित करने हैं। चलिए बात करते हैं लियोस की। फर्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्स। आप लोगों के लिए सरकार विरोध प्रवृत्तियों से आपको दूर रहना है, कोशिश करनी है कि कोई भी सरकारी ऐसा मामला है उसमें किसी वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। इसके अलावा जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो लगातार आपके दिमाग में आते हैं उसे भी कम करने की प्रयास कीजिए आज, क्योंकि नेगेटिविटी जो है आज आप पर हावी हो रही है। इसके अलावा थोड़ा सा क्रोध पर और वाणी पर भी संयमता रखने की ज़रूरत है। परिजनों के साथ कलह कलेश का प्रसंग बन रहा है, लेकिन आज कोशिश करनी है कि आपके साथ कोई जो बीच बचाव का काम करते हैं जो लोग, उनकी बातों को आप सुनें और समझें, क्योंकि कहीं ना कहीं पे अपने गुस्से में आकर के या बहुत ज़्यादा क्रोध में आकर के कोई भी बात ऐसे कह देंगे जो कि आपकी बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ देगी, मे बी रिलेशनशिप्स को भी बिगाड़ देगी। तो लियो, उसको आज बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है इस पॉइंट को लेकर के। इसके अलावा आपके लिए चंदन का तिलक अपने माथे पर लगा करके दिन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब भी आप तिलक लगाते हैं अपने माथे पर, खासतौर पर अपने थर्ड आई चक्रा पर, तो एनर्जी लॉस आपका नहीं होता है, काफ़ी हद तक आपकी एनर्जीज जो है वो प्रिजर्व रहती हैं। साथ ही आप जो नेगेटिव थॉट्स लगातार सोचते रहते हैं इन चीजों से भी आपको निजात मिलती है। चलिए बात करते हैं वर्गोस की। पहला कार्ड निकल रहा है नाइन ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्स। आप लोगों के लिए मानसिक शांति बनी रहेगी, इसके अलावा बातचीत में संतुलन बनाए रखना है आप लोगों को। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं आज के दिन में, और खास तौर पे विशेष रोग के पीछे कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, मे बी डॉक्टर को विजिट करना पड़ सकता है, उसके लिए थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे। लेकिन आज के दिन में आकस्मिक धन लाभ भी नज़र आ रहा है जो कि आपकी चिंताओं को कम कर देगा। बात करें अगर पर्सनल लाइफ की, तो दाम्पत्य जीवन आज काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। कन्या राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेगा, रेड कलर का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये बात करते हैं लीबियंस की। जजमेंट एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए कार्ड निकला है, यानी कि आज गृहस्थ जीवन काफ़ी सुखमय बना रहेगा, सुख शांति का अनुभव करेंगे आप लोग। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक रूप से आप लोग स्वस्थ रहेंगे। साथ ही में किसी महिला से आपको लाभ हो सकता है, मे बी कुछ आइडियाज़ वो आपको दे सकती हैं, या फिर किसी तरह का फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के आज का दिन लिब्रंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आज छोटा सा उपाय करना बहुत ही बेहतर है, मखाने की खीर बना करके भगवान विष्णु जी को भोग लगाना है आपको। इसके अलावा बात कर लेते हैं स्कॉर्पियंस की। फर्स्ट कार्ड एट ऑफ कप्स एंड टेन ऑफ वॉन्स। आप लोगों के लिए जो कंपटीशन में आप लोग हैं उसमें आपकी विजय दिखाई दे रही है, आपकी जीत दिखाई दे रही है। साथ ही में नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है, लेकिन आपके हित में होगी या आपकी मर्जी से होगी। अपनी नई सोच की वजह से कार्यों में नयापन ला सकेंगे आज के दिन में, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा खर्चों में भी आप लोगों के लिए वृद्धि हो रही है, तो स्कॉर्पियंस को ध्यान रखना है कि अपने एक्सपेंसेस को वो लोग बैलेंस करके चले। छोटा सा उपाय कर लीजिए, आज के दिन में चावल का दान देना या फिर मिश्री का दान देना, ध्यान दीजिए चावल या फिर मिश्री का दान देना आज बहुत ही शुभ कर रहेगा, बहुत ही लाभकारी रहेगा आपके लिए। धनु राशि, पहला कार्ड द फूल एंड द सेकंड कार्ड इज किंग ऑफ सॉर्ड्स। आप लोगों के लिए किसी मित्र के सहयोग से आज नौकरी के अवसर मिल सकते हैं आप लोगों को। साथ ही में आय में वृद्धि के योग नजर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। कुछ नया सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में एडअप हो सकता है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो लोग जॉब की तरफ उनका रुझान बढ़ेगा, और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो कुछ नया बिजनेस के इस बारे में सोच सकते हैं, लेकिन साइड बाई साइड। इसके अलावा स्नेहजनों के साथ जो आपके संबंध हैं उसमें मधुरता बढ़ेगी। पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ निरर्थक वाद विवाद करने से बचना है आपको, ऐसे वाद विवाद जो कि आपके लिए बेफिजूल के हैं, ऐसी चीज़ों से बच करके चलना है आज। अगर बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, आपके मेंटर्स आपका पूरा पूरा साथ देंगे, आपको सही एडवाइस करेंगे। इसके साथ आज के दिन का उपाय, शाम के समय तुलसी के पौधे में आपको दीपक जलाना है।
मकर राशि फर्स्ट कार्ड थ्री ऑफ पेंटाकल्स एंड नाइन ऑफ वॉन्स, आप लोगों के लिए दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के प्लान्स बन सकते हैं, सहयोग से आपको लाभ मिलेगा आज, किसी न किसी की मदद ज़रूर लेंगे आप लोग। इसके साथ साथ ही आज क्रोध में और आवेश में आकर के कोई काम नहीं करना है क्योंकि उसकी अधिकता नज़र आ रही है। साथ ही में जीवन साथी का सहयोग आप लोगों को पूरा पूरा मिलेगा। उपाय कर लीजिए, आज सुबह उठ करके सूर्य देव की उपासना के साथ साथ आपको सूर्य को तांबे के लोटे से जल देना है। चलिए बात करते हैं एक्वेरियंस की। पहला कार्ड निकलता है एट ऑफ पेंटाकल्स एंड द सेकंड कार्ड इज फोर ऑफ पेंटाकल्स। आप लोगों के लिए आय के स्रोत विकसित होंगे, साथ ही में कुछ पुराने मित्रों से आपका संपर्क बनेगा, आपके एक तरह से जो अभी तक जिनसे काफ़ी समय से बातचीत नहीं हो पा रही थी, आज वो लोग आपके संपर्क में आएंगे। मित्रों से सहयोग से कारोबार में अनुकूल परिस्थितियाँ बनती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, यानी कि आर्टिस्टिक लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय है अपने मान सम्मान को बढ़ाने का भी, इसके अलावा किसी भी नई चीज़ को एक्सप्लोर करने का। साथ ही में अपनी कला को जब तक आप प्रदर्शन नहीं करेंगे उसका, तब तक लोग भी आपको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, लोग आपका एक तरह से आपकी कला को समझेंगे नहीं। तो आज कोशिश कीजिए आप लोग अपनी बातों को खुल करके सबके सामने रखें। कुंभ राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेगा, भगवान विष्णु की उपासना आपको करनी है और किसी भी मंदिर में जाकर के पीले रंग का कपड़ा दान करना है। मीन राशि फर्स्ट कार्ड एस ऑफ कप्स एंड द सेकंड कार्ड इज एट ऑफ सॉर्ड्स। आप लोगों के लिए परिवार में धार्मिक कार्य होंगे, यानी कि स्पिरिचुअलिज्म से आप लोग जुड़ेंगे। इसके अलावा नए कार्य का शुभारंभ करने के लिए समय काफ़ी अनुकूल है, तो किसी भी नए काम का आरंभ या फिर किसी नए बिजनेस का आरंभ आप लोग कर सकते हैं। किसी पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त होने के योग नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और बात करें अगर आपके लिए फैमिली मैटर्स की, तो अभी तक जो फैमिली मैटर्स चल रहे थे, जो अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, वो खत्म हो जाएंगे। और ख़ासतौर पर किसी प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई वाद विवाद चल रहा था, वो खत्म हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेगा, आज भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ आपको माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है और माँ लक्ष्मी को आपको लाल रंग के पुष्प अर्पित करने हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए आस्ट्रो तक के साथ।